यार काजल एक चीज बताओ, जैसे आपने बताया था ना कि आपने जब स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए आप सेलेक्ट हुए थे, तो आपका जो पैकेज था वो डायरेक्ट इंक्रीज हो गया था कि कुछ मंथ बाद इंक्रीज हुआ था, वो कैसे रहता है वहां पे? सो टॉकिंग अबाउट दैट स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, सो बेसिकली मैं जब करंटली वर्क कर रही थी इन्फोसिस में एज अ सिस्टम इंजीनियर, तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी दैट इज अ स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की. तो इनका क्या सिस्टम रहता है, पहले तो आपको जो है इनका इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन राउंड रहेगा और फिर इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा. जैसे आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, देन आफ्टर वर्ड इन्फोसिस क्या करती है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है. तो स्टार्टिंग में मेरी जो टेक्नोलॉजी थी वो .NET पे थी, एंड लेटर ऑन इन्फोसिस में मुझे जो ट्रेनिंग मिली वो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की, वो थी जावा टेक स्टैक पे. सो ट्रेनिंग के पार्ट में क्या करना होता है, हमें कुछ मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस दिए जाते हैं, वो हमें क्लियर करने होते हैं. और जब ये सारे क्लियर हो जाते हैं, हम प्रोजेक्ट जो है वो ग्रुप प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद फाइनली इन्फोसिस हमें जो रोल ट्रांजिशन कर देती है फ्रॉम सिस्टम इंजीनियर, वट एवर द रोल. लाइक अगर आप सीनियर सिस्टम इंजीनियर हो, टेक्नोलॉजी एनालिस्ट हो, वट एवर द प्रोफाइल यू हैव, तो आपका ट्रांजिशन हो जाता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में. बट ये तब तक नहीं होता जब आप किसी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं होते. लेट सपोज मैंने ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, ठीक है, बट मैं प्रोजेक्ट पे नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी पैसा किस बेसिस पे देती है? आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इसी बेसिस पे आपको पैसा मिल रहा है कंपनी से. बट लेट सपोज आपकी ट्रेनिंग हो गई है, बट आप बेंच पे हो अब, तो आपको इस वजह से कंपनी आपका रोल ट्रांजिशन नहीं करेगी. दे विल ओनली बी गोइंग टू डू जब आप सक्सेसफुली प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हो जाओगे, उसके बाद आपका जो पैकेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, आपका ट्रांजिशन भी हो जाएगा. सो प्रोजेक्ट में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. सो दिस इज हाउ मेरा ट्रांजिशन हुआ. मतलब अगर आप एक बार प्रोजेक्ट में एंट्री ले गए, उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है. उसके बाद अगर जैसे आपने प्रोजेक्ट में एंट्री ली, 3 महीने काम किया, एंड उसके बाद अगर आप बेंच पे चले जाते हो आप, तो आपका पैकेज सेम ही रहेगा और चेंजेस नहीं होगा, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब इट्स जस्ट लाइक एक बार आपको प्रोजेक्ट में आना है, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम ट्रेनिंग खत्म करते हैं, मान लो हमने ट्रेनिंग खत्म कर ली, लेट्स सपोज, ठीक है, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको प्रोजेक्ट में आना है, आपके क्लाइंट राउंड्स होंगे, ठीक है, इंटरव्यू स्केड्यूल होंगे, फिर उसके बाद आपका ट्रांजिशन. एक बार आप प्रोजेक्ट में आ गए, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप चाहे बाद में बेंच पर आ जाओ, बस एक बार आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद प्रोजेक्ट में आना है, बस इतना सा चैलेंज है और कुछ नहीं. उसके बाद आपका अपने आप रोल ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है, उस बेसिस पे, फिर उसके बाद आप दोबारा बेंच पे जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है. ओके, एंड पैकेज में कितना इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे? यस, गौरव सच बताऊं तो मेरा पैकेज जो था 3.6 था इनिशियली, जब मैंने इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन की थी. एंड जब मैंने स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की अपॉर्चुनिटी देखी, सो इट वाज रिटन 9.5. सो लाइक मेरे को तो इससे शॉक लगा यार कि मेरा 3.6 से डायरेक्ट जंप हो जाएगा 9.5 पे. तो मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, और इन्फोसिस नो डाउट अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है इनसाइडर्स के लिए. सो 3.6 से 9.5 डायरेक्ट जंप होता है. सो ये एक एक बात बता सकती हूँ, एक रियल चैलेंज होता है कि आपकी व्हाट यू कैन से कि आपकी लर्निंग्स में. मैं अपना एक्सपीरियंस पर्सनली शेयर करना चाहूँगी. लाइक मेरी ट्रेनिंग .NET पे हुई थी माइसर से, और आफ्टर वर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इन्फोसिस ने मेरे को सपोर्ट का प्रोजेक्ट दे दिया. सो जैसे ही मेरे को सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल गया था, मेरे को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती थी, बिकॉज व्हाट हैपेंड, लाइक मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ और मेरी स्किल में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है. तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था कि लाइक यार मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ और मेरे से जितने भी आसपास के कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझसे आगे निकल रहे हैं, बिकॉज लाइक आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, मैं अपस्किल नहीं कर पा रही हूँ. सो मैंने मैनेजर्स को बोला, मेंटर्स को बोला, सो दे लाइक ठीक है काजल, आप प्रोजेक्ट पे काम करो, हम आपका वर्क देखेंगे, अगर हमें आपका वर्क पसंद आया तो हम आपको डेवलपमेंट दे देंगे. सो मैनेजर्स कहते हैं ऐसा, बट दे हार्डली डू दिस थिंग. सो बट येस, एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो अपने एंड से, बाकी इट डिपेंड्स अपॉन मैनेजर्स. सो मैनेजर्स यूजुअली नहीं करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं. फिर फाइनली ये स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की अपॉर्चुनिटी आती है, एंड मैं इसे ग्रैब करती हूँ, इसकी प्रिपरेशन करती हूँ, और फाइनली आई गॉट ट्रांजिशन. सो 3.6 से 9.5 का जंप मिलेगा. सो दैट्स अ वेरी गुड जंप आई वुड से. भाई डेफिनेटली यार, मतलब कोई एक कंपनी में काम कर रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 3.5 पे लगते हैं एंड उन्हें आइडिया भी नहीं है, वो सोचते हैं कि मैं कंपनी चेंज कर दूं. भाई कंपनी चेंज करने की जरूरत ही क्या है, जब आपको सेम कंपनी में थोड़े से एफर्ट्स लगा के आपको पैकेज डबल हो जाएगा, डबल से ज्यादा हो जाएगा, राइट? क्योंकि 3.5 पे आपको एंड उसके बाद 9.5 का आपको पैकेज मिल रहा है. इसका कोई टाइम लिमिट होता है क्या कि आप 6 मंथ के बाद ये एग्जाम दे सकते हो, या 1 ईयर के बाद जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद इन्फोसिस में? यस,
सो एक्चुअली गौरव कोई टाइम लिमिट नहीं होता, टाइम लिमिट इन दैट सेंस ऐसा रहता है कि पहले मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि आप जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो अपनी, ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, आपको फाइनल वो अलॉट कर देते हैं आपका प्रोफाइल, उसके बाद से आप कर सकते थे. बट अभी उन्होंने थोड़ा बीच में रिस्ट्रिक्शंस वगैरह स्टार्ट करी हैं कि आपका नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, आपका थोड़ा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस रहना चाहिए. सो ये थोड़े सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो है अभी कंपनी ने अप्लाई की है. एंड और एक चीज बोलती हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि आपने बोला ना कि लाइक क्यों लोग अप्लाई नहीं करते, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट व्हाट हैपेंस इज कि सब लोग नहीं क्लियर कर पाते. द रीजन बीइंग इज बहुत स्टूडेंट सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, 8-8 घंटे में काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना सफिशियंट टाइम नहीं मिलता कि वो तैयारी कर पाए. अगर आपकी थोड़ी विल स्ट्रांग है, अगर आपको लगता है आप सैटरडे संडे थोड़ा पढ़ोगे निकाल लोगे ये, तो फिर आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आप बाहर स्विच भी करोगे उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन लगेगी. बट ये है कि इन्फोसिस का थोड़ा स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का जो एग्जाम है वो कंपैरेटिवली टफ है. दैट आई वुड स्ट्रेस अपॉन, इतना ज्यादा मुश्किल स्विच करने में नहीं होता. बट यस, उस टाइम मैंने ठान लिया था कितना भी क्यों ना मुश्किल हो, मेरे को डीएसए चाहे पढ़ना पड़े, इंटरव्यू फेस करना पड़े, एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए. आपको इस फियर से पीछे नहीं बैकआउट कर लेना चाहिए कि जस्ट बिकॉज इट्स हार्ड मे बी यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट. ट्राई करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, आपकी तैयारी आपको स्विच में काम आ जाएगी. तो अगर इंटरनल कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई वुड से कितना हार्ड भी आपको लग रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मेरा रोल ट्रांजिशन हो गया था तो सारे कहते थे यार बहुत ही अंदर इन्फोसिस का स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर निकालना मुश्किल है, इससे अच्छा तो स्विच कर लो. मैंने कहा करो स्विच, क्यों मत, मतलब लाइक करो स्विच, इज जस्ट ट्राई करो, अंदर नहीं हो रहा है उतनी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी ना उस प्रोसेस में, एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बाहर ट्राई करने के लिए. सो आई वुड से ट्राई करो, होता है अच्छी बात, नहीं होता सो यू विल बी हैविंग मेनी अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एज वेल. नहीं, ये बात तो आपकी सही है, मतलब अब मेरे जो ऑडियंस है वो जिन लोगों को आइडिया नहीं है इसके बारे में उन्हें अब आइडिया लग गया होगा काजल. एंड ये जो आपकी जर्नी है ना वो काफ़ी इंस्पायरिंग भी है लोगों के लिए, क्योंकि सपोज करो बहुत सारे लोगों ने आइडिया भी नहीं है, अब फिलहाल वो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन्हें आइडिया लग जाएगा कि यार स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का हम एग्जाम दे सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा पैकेज भी डबल हो जाएगा, डबल से ज़्यादा हो जाएगा.